है जहां पर आग बुझ चुकी है, लेकिन फैक्ट्री और फैक्ट्री के आसपास का इलाका वहां पर अभी भी आग उसी प्रकार से धधक रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा फुटेज जब आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से यहां पर घायलों को फौरन अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस पूरी तरह से तैनात है, लेकिन ये भी अभी काफी साबित नहीं हो पा रही है। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जाना, ये तस्वीर विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गंभीर पूरी दुर्घटना, और इस घटना को भुला पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि विस्फोट को लेकर भी कहा गया है बिल्कुल ऐसा हिल गई धरती, कांप गई धरती, क्योंकि भूकंप जैसा मंजर हो गया था, ये स्थानीय रहवासी हमें बता रहे थे। और उसके बाद ये जो आग धधकती हुई आप देख रहे हैं, ये भले ही शुरुआती दौर में उसकी फुटेज हमने आपको दिखाई हो, लेकिन अभी भी स्थिति इससे बिल्कुल अलग नहीं है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, बहुत सारी अपडेट अब इस खबर को लेकर सामने आ रही है, ये भी है जानकारी कि सेना भी पहुंचेगी, हेलीकॉप्टर से भी अब एयरलिफ्ट हो गए, यानी कि अब बहुत जल्दी बहुत व्यापक स्तर पर काम शुरू करने की तैयारी। प्रशांत, आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रशांत, आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो सेना को लेकर जानकारी सामने आ रही है, हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू में लगाए जा रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है, मदद मांगी गई है और हेलीकॉप्टर की मदद भी मांगी गई है, जैसे ही उपलब्ध हो जाते हैं इनको भी रेस्क्यू में लगा दिया जाएगा और संभव है कि इनका इस्तेमाल जो घायल हैं उन्हें भोपाल और इंदौर लाने में भी किया जाए। ग्रीन कॉरिडोर तो भोपाल के लिए बनाया ही गया है, इसके अलावा इनकी मदद भी ली जाएगी हेलीकॉप्टर सेना के जरिए, जो सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं उसके लिए अपील की गई है और स्वाभाविक है कि शायद जल्दी मुहैया भी हो जाए, तो उसका और एक बेनिफिट ये होगा कि बहुत कम समय में तुरंत हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर भोपाल ले आया जाएगा जो घायल हैं, जो भी जिन्हें इलाज की आवश्यकता है तुरंत उन्हें इलाज मुहैया हो पाएगा, चूंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें पहले से वहां पहुंचा दी गई हैं, लेकिन चूंकि बहुत विकराल रूप धारण कर लिया था आग ने, जहां ये फैक्ट्री थी उसके आसपास भी जो घर थे उनमें भी दरअसल बारूद रखा हुआ था और इसीलिए हालात ऐसे हुए कि अभी तक बुझाई नहीं जा सकी। आग आसपास के 6-7 जिलों से दमकल बुलाई गई थी, अब मुख्यमंत्री चूंकि लगातार मॉनिटर भी कर रहे हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, सेना से अपील की गई है कि वो हेलीकॉप्टर भी मुहैया करा दें, हेलीकॉप्टर मुहैया हो जाते हैं तो आएगा कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में उसकी सुविधाएं मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर भोपाल होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आने से मंत्री रावत प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होम को इस पार्ट पर रवाना किया, 400 से ज्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा, जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपया प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके, बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी उन्हें दिए हैं, होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा, हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पर जो जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं।
तो ये आपने सुना डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर मैं पूरी तरह से सजग हुई, उनकी तरफ से कहा जा चुका है, उन्होंने कहा है कि मुआवजा दिया जाएगा जो लोग इस घटना में जिनकी जान चली गई है, 4-4 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को सहयोग राशि के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन अस्पताल को कह दिया गया है कि पूरी तरह से आप भी तैयार हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन या जितना भी अमला यहां पर मौजूद है वो पूरी तरह से तैयार है कि घायलों को सबसे पहले अब इलाज मुहैया करा सके। सबसे पहले प्राथमिकता इस ओर कि जिन लोगों को यहाँ पर हानि पहुंची है उनको सहयोग हम दे सके। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने कहा है कि जांच भी की जाएगी कि आखिर कैसी अवैध फैक्ट्री यहां पर चल रही थी और फैक्ट्री के आसपास रहवासी क्षेत्र कैसे पनपा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। घायलों को हर संभव मदद का भरोसा और 4 लाख की मुआवजा राशि उन तमाम दिवंगतों को जो इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आप काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना का हम घटना के बाद इस पे जो जो प्रबंधन हो सकते हैं वो सब प्रबंधन में लगे हैं। आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी प्रकार की हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि प्रशासन पहले से ही तैयार है, मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी बता दिया गया है कि यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपको तैयार रहने के लिए रहना होगा, सहायता के लिए रहना होगा। ये केंद्र सरकार तक पहुंचा दी गई है बात, यानी कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती, इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि सेना को भी बुलाया जा रहा है, तो अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए इको टूरिज्म में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेड में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सही, प्रवीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, अपडेट दीजिएगा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सेना भी पहुंचने वाली है, हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू करेंगे। प्रवीण, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, यहाँ पर आज पर पूरा प्रशासन ने यहाँ पर काबू पा लिया है और यहाँ पर फैक्ट्री के एक हिस्से में प्रशासन की टीम पहुंच गई है। कलेक्टर ने यहाँ पर जो है 60 लोगों के घायल होने की यहाँ पर पुष्टि की है। खंडवा और देवास से भी यहाँ पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंची थी। फिलहाल यहाँ पर आग पर अपन ये कह सकते हैं कि लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन जो फैक्ट्री के अंदर जो बारूद थे या जो फटाके थे उनमें अभी रह रहे के धमाके हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर प्रशासन ने भी एहतियात बरती है, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और जो प्रशासन की टीम है वहाँ से वो लोगों को निकालने का प्रयास कर रही है। शायद इस पूरे मामले में अगर हम बात करें जो दुखद हादसा जो हरदा में हुआ है उसमें जो मृतकों और घायलों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर जो 7 मौतों की यहाँ पर पुष्टि की जो हमको जिला अस्पताल से जानकारी मिली थी, हालांकि कलेक्टर इसमें 6 लोगों की बात कह रहे हैं लेकिन जिला अस्पताल से जानकारी मिली उसके अनुसार यहाँ पर 7 लोग। प्रवीण, रोक रही हूँ आपको, ये वही जानकारी जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर रही थी, 4 लाख की मुआवजा राशि दी जानी है उन तमाम लोगों को सहायता के तौर पर जिनके अपने जिन्होंने इस हादसे के चलते खो दिए हैं। मृतक के परिजनों को 4 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी, ये एक सहायता है, लेकिन दूसरी तरफ जो भी घायल हैं उनके इलाज में भी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कह रहे थे कि जिनको घायल हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, उनके इलाज की जिम्मेदारी भी मध्य प्रदेश सरकार की होगी, यानी कि आप मृतकों को लगातार जिनके जो परिजन हैं उनसे भी कांटेक्ट करने का प्रयास, क्योंकि सांसद महोदय भी ये कह रहे थे, विधायक भी यही कह रहे थे कि पहले मृतकों के परिजनों से हम मुलाकात करेंगे और उसके बाद राशि का ऐलान होता है, 4 लाख की मुआवजा राशि हरदा विस्फोट को लेकर ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की जा चुकी है और जो लोग घायल हैं उन तक मदद पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये बात मुख्यमंत्री भी मानते हैं।